दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए क्वाड के विदेश मंत्री आज जापान के टोक्यो शहर में कूटनीतिक वार्ता करेंगे। क्वाड नाम के इस चतुर्भुजीय संगठन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के भीतर शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के तौर तरीकों पर बातचीत होगी। बैठक में भारत के एस जयशंकर समेत अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और ऑस्ट्रेलिया के मारिज पाई ने भी शामिल होंगे। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से टोक्यो द्वारा आयोजित ये पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा। 3 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए डोनाल्ड ट्रंप इलाज के बाद सोमवार रात हॉस्पिटल से व्हाइट हाउस पहुंच गए। उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उनके डॉक्टर का कहना है कि राष्ट्रपति को सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि खतरा टला नहीं है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मास्क भी हटा दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से अब तक इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। विपक्षी एकता से बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विरोधियों को निशाना बनाने में लगे हैं। इमरान के इशारे पर पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज सहित कई नेताओं के खिलाफ सोमवार को राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। सभी पर सेना की आलोचना का आरोप है। पिछले महीने शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग और 8 दूसरे विपक्षी दलों ने सेना पर राजनीति करने और 2018 में हुए चुनावों में धांधली का आरोप लगाया था, जिसमें इमरान खान की पार्टी को जीत मिली थी। गलवान में हिंसक संघर्ष के बाद LAC पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। ऐसे माहौल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले महीने मुलाकात होने जा रही है। कोरोना काल के चलते ये मुलाकात वर्चुअल ही होगी। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के नेता 17 नवंबर को ब्रिक्स समिट के दौरान बातचीत कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति कहते हैं कि उनका देश क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहता है, पर बॉर्डर के करीब बड़ी संख्या में सैन्य और हथियारों का जमावड़ा कर चीन ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इसके जवाब में भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा पर बड़ी तैनाती कर रखी है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.56 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,68,59,709 से ज़्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10.33 लाख के पार हो चुका है। यूरोपीय देशों में संक्रमण की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। फ्रांस इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। हेल्थ एजेंसी का कहना है कि नए मामलों में से 40% स्कूल और यूनिवर्सिटीज से संबंधित हैं। फ्रांस में शनिवार को 17,000 नए मामले सामने आए। इसके बाद सरकार ने रविवार और सोमवार को नए आंकड़े जारी नहीं किए। मेक्सिको में सोमवार को नए मामलों ने सबको हैरान कर दिया। यहां एक ही दिन में 28,115 नए मामले सामने आए। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने सोमवार को ऑकलैंड से लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने दूसरी बार भी कोरोना वायरस को हटा दिया है। हालांकि सावधानी बरतते हुए लेवल 1 का अलर्ट जारी किया जाएगा।